good morning dear students today we will do the explanation of the last stanza of the poem my last duchess in the last two previous videos we have discussed about the poet browning robert browning and the poem my last duchess and in the previous videos we discussed how duke is speaking about the duchess एंड ड्यूक की स्पीच के थ्रू ही हमें ड्यूक का करेक्टर पता चलता है और डचस का करैक्टर पता चलता है ड्यूक क्या है ही वॉज द लवर ऑफ आर्ट ओके एंड रेनेसेंस एज का इटालियन ड्यूक है ये आर्ट का प्रेमी है बट ही वॉज वेरी क्यूअर ग्रीडी ओके जेलस उसके अंदर है बहुत ज़्यादा है ही वॉज जेलस ऑफ डचस गुड क्वालिटीज अब एक तरफ बहुत ही जेंटल काइंड हार्टेड ब्यूटीफुल लेडी है और दूसरी तरफ ड्यूक एक है। और बहुत ही ग्रीडी था वो लालच था उसके अंदर देखिए विल इट प्लीज यू राइज वेल मीट द कंपनी बिलो देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन मैग्निफिसेंस ओके तो विल इट प्लीज़ यूज राइज अब वो दूध को कह रहे हैं आ, आप खड़े होंगे प्लीज़ वेल मीट द कंपनी बिलो आओ हम नीचे चलते हैं और वहाँ एक कंपनी आई हुई है उससे मिलते हैं आई रिपीट मैंने कह वो ड्यू कह रहे हैं मैंने इस बात को रिपीट किया आई अगेन आई रिपीट क्या रिपीट किया द काउंट योर मास्टर्स नॉन मैनिफिस इज एम्पल वॉर दैट नो जस्ट प्रीटेंस ऑफ माइंड फॉर डावरी विल बी डेसल आउट कहते काउंट दूध को कह रहे यूर मास्टर्स नॉन मैनिफिस आपके जो मास्टर हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं काइंड हार्टेडनेस के लिए जाने जाते हैं है. बड़े दयालु आपके मास्टर ऐसा सुना है इज एम्पल वारंट तो ये जो उनका करेक्टर है जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत ही ट्रूथफुल है काइंड हार्टेड है तो ये आ, आ, कहते पर्याप्त वारंटी है इस बात की एम्पल मीन्स इनफ वारंटी है दैट नो जस्ट प्रीटेंस ऑफ माइंड फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड कि जो मेरी डिमांड है दहेज की वो वो डिसअलाउ नहीं करेंगे वो मना नहीं करेंगे दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट जैसा कि हालांकि उनकी सुंदर बेटी ही मेरा ऑब्जेक्ट है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उन सुंदर बेटी ही दो ही फेयर डोटर सेल्फ एज आई अबाउट जैसा कि मैंने ऊपर बताया एट स्टार्टिंग इज़ माय ऑब्जेक्ट हाँ मेन मकसद तो मेरा वही है कि ठीक है मैं उनकी डोटर से शादी करूँगा नहीं नो नो वी शैल गो टुगेदर डाउन अब हो सकता है दूत है जो दूसरी तरफ मुड़ गया हो तो इसलिए वो ने, ने नहीं नहीं हमने नीचे जाना है कहते हम नीचे जाएंगे इकट्ठे वी शैल गो टूगेदर डाउन सर नोटिस अब देखो सा एक साइड में नैप्टून जो देवता है वो सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहा है एक ऐसा आट, एंटीक पीस रखा हुआ है सो, सो पीस है वो तो शो पीस को देख के बताते देखो सर कहते हैं दूध को बता रहा है कहते हैं देखो ये नोटिस करो नेपट्टून दो टेमिंग सी हॉर्स यहाँ नेपट्टून देवता है जो इस एंटीक पीस में कलाकारी का जो नमूना है आपके सामने है ये पीस लगा हुआ है और ये जो नेपट्टून देवता है सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहा है ठीक है थॉट रियरटी विच क्लॉस ऑफ हिंस बर्क कास्ट इन ब्रॉन्स फॉर मी कहते देखो ये बहुत ही रेयर है थॉट ए रियरिटी विच क्लॉस ऑफ इंस इंसबर्ग तो एक ये जो क्लॉस ऑफ इंसबर्ग के जो क्लॉस है जो आर्टिस्ट है कलाकार है कलॉस उसने मेरे लिए इसे ब्रॉन्ज में बनाया है तो यहाँ ड्यूक ये प्रेजेंट कर रहा है दूध के सामने कि ठीक है मैं शादी तो करना चाहता हूँ उनकी बेटी से परंतु मेरी जो दहेज की जो डिमांड है वो जरूर पूरी कर दें यहाँ उनका ग्रीडी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रिडीनेस है उनके अंदर ये भी शो की गई है ओके इन द नेक्स्ट वीडियो तो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड द अंडरलाइंड रेफरेंसेज जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं आपको ब्लू कलर में ये रेफरेंसेज इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने अच्छी तरह से समझना है और लर्न करना है थैंक यू तो आप ये वीडियो देखिए वॉच दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो थैंक यू